Namaste. So, I hope you're doing fine for today. So, in my previous video, most of my subscribers are angry with me because I make reaction video in India. And it's make me wonder why. So, and then I found out that India and Nepal are fighting. So, right now, I'm going to react on why India and Nepal are fighting. So yeah, it's really make me curious about this, and yeah, I hope that I learned something from this. So it's really make me curious. So without any doubt, let's start the video. नमस्कार दोस्तों, इंडिया के जितने क्लोज रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, दुनिया में किसी और देश के साथ नहीं। इंडियंस और नेपालीज बिना पासपोर्ट वीजा के ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे की कंट्रीज में काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से ये रिलेशंस खराब होने लग रहे हैं। अभी रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस फैलाने के लिए नेपाल में। ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्यूज किया इंडिया को कि इंडिया कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है नेपाल का। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है। तो क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों इसकी शुरुआत हुई और कौन यहां पर सही है, इंडिया या नेपाल, ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। ये कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में आई जब नेपाल ने अपने देश का एक नया नक्शा निकाला, अपनी कंट्री का एक नया मैप निकाला और एक ऐसा एरिया अपने मैप में इंक्लूड किया इन्होंने नेपाल के अंदर जो पिछले मैप्स में नहीं किया था, जो एरिया एक्चुअली में आज के दिन इंडिया के कंट्रोल में है। कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, आप इनका नया मैप देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट टिप है नेपाल की, एक ट्रायंगुलर सा एरिया बाहर आ रहा है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया दोस्तों एक्चुअली में ईस्टर्न मोस्ट टिप है उत्तराखंड की। क्या है इस एरिया में, ये अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हो, जगह कह सकते हो है, वो है लिंपिया धूरा। इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका वो है लीपू लेक पास, और साउथ वेस्ट पे गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन तीन जगहों के बेसिस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है, लिंपिया धूरा, लीपू लेक और काला पानी। नेपाल का मानना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का मानना है कि ऑब्वियसली ये एरिया इंडिया का है। इससे पहले हम इस सवाल पर जाएं कि कौन यहां पर सही है, क्या इस जमीन की हिस्ट्री है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में दो इवेंट से हुई थी जो करीब आज से 6 महीने पहले हुए थे। पहला इवेंट था नवंबर 2019 को कि मोदी सरकार ने एक नया मैप रिलीज किया इंडिया का, जिसमें जो काला पानी का रीजन था वो इंडिया के अंदर माना, जिससे नेपाल की गवर्नमेंट खुश नहीं हुई। और दूसरा इवेंट है 8 मई 2020 का, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट करी, करीब 80 किलोमीटर की रोड जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लीपू लेक तक पहुंचाती है। इस रोड का पर्पस बताया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके ऊपर है टिबेट, जहां पे कैलाश मानसरोवर है। इस रोड के बनने से पहले जो कैलाश मानसरोवर पर यात्री जाते थे उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता था, 5 दिन की ट्रैक होती थी। इस रोड के बनने के बाद ये गाड़ी से इस चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन की ही ट्रैक होगी। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद नेपाल सरकार इससे बहुत नाराज हुई, क्योंकि इनका मानना था ये लीपू लेक पास नेपाल के अंडर आता है और इनका यह भी मानना था कि अगर इंडिया को रोड बनानी ही थी यहां पर तो नेपाल के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, एग्रीमेंट करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये जो एरिया है ये कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसलिए हमने नेपाल से कोई बात नहीं करी, हमने अपनी कंट्री के अंदर रोड बनाई है, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में और गुस्सा होगा इसको लेकर लोग, और फिर नेपाल की सरकार ने अपना नया मैप निकाला जिसको लेकर यह पूरा डिस्प्यूट सामने आया। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन एक्चुअली में डिस्प्यूटेड क्यों है और राइटफुली किस कंट्री को ये बिलोंग करता है। आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1800s में, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की और नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई जिसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उसको। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया,
नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। आज के दिन भी दोस्तों अगर आप नेपाल और इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे क्या है, तो वो इन दोनों नदियों के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करी गई है। नदी के साथ साथ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर चलता है। अब प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे, अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोल कर दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है। इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ इस नदी में, तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ये नदी दो में बट जाती है। एक्चुअली दो में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली मैं अपस्ट्रीम जाने लगा हूँ, दो सोर्सेज से ये नदी आने लग रही है। कौन से सोर्स को यहाँ पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहाँ पर, तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है। सेंस कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मोटे वाले को यहाँ पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है। तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, ये जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है उससे बॉर्डर डिफाइन किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने, उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, यानी जो ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड हमने नेपाल किंगडम को दे दिया है, इसकी काफी जरूरत है, हमें काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पीस ऑफ लैंड की, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त काम आए। तो बड़ी चालाकी से कुछ 30-40 सालों बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने अचानक से अपना नक्शा बदल डाला। अपने मैप्स में वो ईस्ट साइड वाली रिवर को एज अ बाउंड्री बताने लग गए एकदम से। तो ये जो 1865 का आप एक मैप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, इस मैप में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ईस्ट साइड वाली नदी को यूज किया एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल। उस वक्त दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये छोटा सा लैंड था और नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा यूज का नहीं था। इसमें ना के बराबर लोग रहते थे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन था और सिर्फ एक रास्ता गुजरता था इससे, जो पिलग्रिमेज रूट था कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। तो नेपाल ने सोचा जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर सकते हैं इसे। और तब से लेके दोस्तों जब तक इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद हुआ वही बॉर्डर कंसिडर किया गया, और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वही बॉर्डर चलता रहा। नेपाल के जो मोनार्क्स थे, नेपाल में डेमोक्रेसी काफी लेट आई थी, 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, उससे पहले मोनार्की थी इनके वहां पर। तो जो नेपाल के मोनार्क्स थे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस अनऑफिशियल बॉर्डर से। अपने गवर्नमेंट मैप बनाते वक्त वो इस एरिया को नेपाल के मैप से बाहर ही रखते थे। 1960s में जब इंडिया चाइना के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था, इंडिया चाइना की वॉर भी हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट खड़ी करी, परमिशन ली थी मोनार्की से उस वक्त, और तब नेपाल की मोनार्की को फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, और तब से लेके आज तक दोस्तों इस एरिया में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, इंडिया की मिलिट्री पोस्ट लगी हुई है। 1962 के बाद से इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज अपने मैप्स में लिपू लेक और कालापानी रीजन को दिखाती आई हैं, लेकिन ये पहली बार है कि नेपाल ने ये लिम्पिया धुरा वाला रीजन अपने मैप में दिखाया है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है, ये पहली बार 1990s के बाद खड़ा हुआ जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फाइनली एक्सेस कर पाई पुराने हिस्टोरिकल पेपर्स को ये देखकर कि जो हमारी मोनार्की थी ये किस तरह से बॉर्डर्स डिफाइन करती थी, और इन्होंने फिर रियलाइज किया कि ये जो एरिया है नहीं, ये नेपाल को बिलोंग करना चाहिए, और तब से लेकर ये इसे डिस्प्यूटेड एरिया की तरह डिफाइन करते आए हैं। जुलाई 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को लेकर बातचीत करी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। इन्होंने साथ में मिलकर फील्ड सर्वेस कंडक्ट कराए कि एग्जैक्टली कालापानी के रीजन में कहां पर ये बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन ये एग्रीमेंट दोस्तों बीच में अटक गई जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वहां से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हटाएंगे, तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। मई 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करी थी, वो लिपू लेक पास को एज ए ट्रेड रूट यूज करेंगे, और ये वो पॉइंट था दोस्तों जहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो गए। उस वक्त 2015 में ही नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई इस चीज को लेकर और प्रोटेस्ट जताया। उन्होंने कहा था कि ये काला पानी का जो रीजन है ये नेपाल के अंदर आता है। इंडिया चाइना दोनों के अगेंस्ट उन्होंने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये किसको राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को?
इस सवाल को आंसर करने के लिए दोस्तों मैं दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा। नेपाल अपनी तरफ से ये आर्ग्यू करता है कि सुगोली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स एग्रीमेंट में थी, उसके बाद कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की गई जिसमें दोनों साइड्स एक दूसरे से एग्री करती हों, इसलिए हम सुगोली ट्रीटी को ही एज अ बेसिस लेकर चलेंगे और उसके बेसिस पर ये जो एरिया है ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया उस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग हमारी वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी जाएगी और जहां पर ये रिवर दो में बट रही है उसमें क्लियर दिख रहा है कि बड़ी वाली रिवर महाकाली रिवर है, इसलिए ये एरिया अपने अंडर आता है। अब इंडिया के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इतने सालों से नेपाल ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा, कब से दशकों से चली आ रही है ये चीज, 1860s के बाद से यही अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी गई है, उस तब तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा, ना ही नेपाल के मोनार्क को वहां पर प्रॉब्लम हुई, तो अब अचानक से इस इशू को उठाने का क्या तुक बनता है, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का क्या तुक बनता है। और इसके काउंटर में नेपाल आर्ग्यू कर सकता है कि 1990s के बाद ही नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले तो मोनार्क का रूल चल रहा था और मोनार्क अपनी मर्जी चलाता था, जनता की मर्जी कभी नहीं सुनी गई और मोनार्क का कहना था कि अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी जाएगी तो हम मोनार्क की क्यों सुने, अब हमारे पास डेमोक्रेसी आई है। और यहां पर इंडिया के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि 1990s के बाद भी जब नेपाल डेमोक्रेटिक बन भी गया था फिर भी नेपाल ने इतने सालों तक लिम्पिया धुरा वाले रीजन को अपने अंडर नहीं डिक्लेयर किया था, अब एकदम से क्या कर दिया कि अब नया पॉलिटिकल मैप आ गया। तो ये दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुन ली, आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ये किसे राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए और अब मैं आपको यहां पर अपनी राय बताऊंगा। मेरी राय में दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन को ज्योग्राफिकली देखें तो यहां पर नेपाल सही है। अगर हम सुगोली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जाएं जो कहती है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग ही हमें नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करनी है तो ये बड़ा क्लियर है, जब नदी दो में बटती है वेस्ट वाली नदी ही बड़ी नदी है उसी को ही एज अ बाउंड्री यूज किया जाना चाहिए और इस लॉजिक से नेपाल सही है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखें तो मेरी राय में इंडिया सही है, ये रीजन इंडिया को बिलोंग करना चाहिए क्योंकि 1860s के बाद से ब्रिटिशर्स भी इसी को बाउंड्री की तरह यूज करते आए हैं और अगर नेपाल के राजा महाराजाओं को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने सालों बाद तक यही अनऑफिशियल बॉर्डर चलता रहा, तो एकदम से नेपाल बोले कि नहीं हमें वही पुराने वाला बॉर्डर चाहिए आज से 100 साल पुराने वाला, तो ये सेंस नहीं बनाता कुछ। अगर हर कंट्री ऐसा ही करने लग गई तो बात नहीं बनेगी, जरा सोच कर देखिए अगर जर्मनी फ्रांस के बीच में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर जर्मनी बोले कि ये फ्रांस के अंदर ये वाला रीजन हमें चाहिए क्योंकि हमारे पुराने किंगडम्स के टाइम पे ये रीजन हमारे अंडर हुआ करता था, हालांकि पिछले 100 सालों से ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अब हमें चाहिए वो पुराने टाइम के लिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसी कितनी कंट्रीज होंगी, कितने बॉर्डर्स होंगे दुनिया भर में ऐसे जहां पर पहले कुछ और हुआ करता था अब कुछ नया सेट हो गया है ऐसा। और तीसरा अगर लॉजिकली सोचे तो ये कॉन्ट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो तो वैसे भी नाम का है, इंडियंस नेपाली वैसे भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के, रह सकते हैं काम कर सकते हैं वहां पर, तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसमें क्या स्पेशल होगा, नेपाली इंडियंस आज भी वहां पर रह सकते हैं काम कर सकते हैं जिन्हें रहना है, जो सड़क बनाई गई है उसे दोनों नेपाली इंडियंस यूज कर सकते हैं, तो बात कॉन्ट्रोवर्सी है किस चीज की, बस अपने पॉलिटिकल मैप पे इसे रिप्रेजेंट करना। एक चीज जरूर मैं मानता हूं यहां पर कि इंडियन गवर्नमेंट को और फ्रेंडली होना चाहिए था नेपाल की सरकार के साथ, यानी कि रोड बनाने से पहले नेपाल के साथ बात करी जा सकती थी कि हम यहां पर रोड बनाने जा रहे हैं, इससे दोनों कंट्रीज का फायदा होगा, हमारे कैलाश मानसरोवर वाले यात्रियों के लिए रोड बनाई जा रही है और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस जगह, तो साथ में मिलकर एग्रीमेंट हो जाती। लेकिन आज के दिन क्या होने लग रहा है, सोशल मीडिया पे इंडियंस नेपालियों का मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नेपाली लोग इंडियंस के खिलाफ हेट कमेंट्स डाल रहे हैं, कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि नेपाली के सारे नेपाली चाइना को बिक चुके हैं, कुछ नेपाल के प्रधानमंत्री कहने लग रहे हैं कि देखो इंडिया का जो वायरस है वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इस तरह से तो नहीं चल सकती ना दोनों कंट्रीज के बीच में दोस्ती होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियंस और नेपाली इतने ज्यादा एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जरा सोचकर देखिए कितने नेपाली लोग इंडियन आर्मी में भी इंप्लॉयड है। ये चाइना वाली चीज पर भी मैं एक बारी बात करना चाहूंगा कि कुछ इंडियंस कहने लग रहे हैं कि चाइनीज ने नेपालियों को खरीद लिया है क्योंकि नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है तो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया नेपाल के ऊपर।
अब बाकी और इश्यूज में कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक इश्यू की अगर हम बात करें जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लगा है, मेरा मानना है कि इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं आपको रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन तो यह है कि 2015 में जब इंडिया चाइना की ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी लिपू लेक रीजन को लेकर, तो नेपाल ने दोनों कंट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना रहे थे जबकि नेपाल दोनों के अगेंस्ट काम आते। और दूसरा रीजन ये है कि नेपाल में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी भी सेम राय है इस इशू को लेकर जो उनकी रूलिंग पार्टी की, वहां की सारी पार्टीज ऑलमोस्ट इस